चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अभिनेता अमिताभ बच्चन साहब की साल 1969 से लेकर साल 1973 तक की सभी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों, वहीं पर जानेंगे इन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। और दोस्तों, वहीं पर जानेंगे कि अमिताभ बच्चन साहब ने साल 1969 से लेकर साल 1973 तक कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खरीदी थी, कितनी फ्लॉप। तो सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी अमिताभ बच्चन साहब को एक अच्छा और बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। सबसे पहली फिल्म आई थी साल 1969 में, फिल्म का नाम था सात हिंदुस्तानी। ये मूवी साल 1969 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आई थी, अमिताभ बच्चन इसमें अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट 8,55,00,000 रुपए के बजट मनी थी ये फिल्म, और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8,10,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 9,00,000 रुपए। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1971 में, फिल्म का नाम था आनंद। ये मूवी साल 1971 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आई थी अमिताभ बच्चन के साथ राजेश खन्ना भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 55,00,000 रुपए के बजट मनी थी ये फिल्म, और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1,80,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2,00,00,000 रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट करार दी गई थी। फिल्म आई थी साल 1971 में, फिल्म का नाम था प्यार की कहानी। ये मूवी साल 1971 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन के साथ शर्मिला टैगोर भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 35,00,000 रुपए के बजट मनी थी फिल्म, और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 38,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 40,00,000 रुपए। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1971 में, फिल्म का नाम था परवाना। ये मूवी साल 1971 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आई थी अमिताभ बच्चन के साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 30,00,000 रुपए के बजट मनी थी ये फिल्म, और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 37,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 40,00,000 रुपए। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1971 में, फिल्म का नाम था संजोग। ये मूवी साल 1971 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म का बजट 34,00,000 रुपए के बजट मनी थी फिल्म, और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 28,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 30,00,000 रुपए। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर करार दी गई। अगली फिल्म आई थी साल 1971 में, फिल्म का नाम था रेशमा और शेरा। ये मूवी साल 1971 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन के साथ सुनील दत्त, राजकुमार भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 23,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 15,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 18,00,000 रुपए। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर करार दी गई थी। आई थी साल 1972 में, फिल्म का नाम था बम्बई टू गोवा। ये मूवी साल 1972 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन के साथ महमूद भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी
जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 66 लाख रुपए के बजट मनी थी ये फिल्म और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 2 करोड़ 15 लाख रुपए। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1972 में, फिल्म का नाम था एक नज़र। ये मूवी साल 1972 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नज़र आई थी अनीता बच्चन इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म का बजट 22 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 10 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 11 लाख रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1972 में, फिल्म का नाम था बंची और बिरजू। ये मूवी साल 1972 में आई थी फिल्म। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 30 लाख रुपए के बजट मनी थी ये फिल्म और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 25 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 27 लाख रुपए और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1972 में, फिल्म का नाम था रास्ते का पत्थर। ये मूवी साल 1972 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आई थी अनीता बच्चन के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 करोड़ 50 लाख रुपए के बजट मनी थी ये फिल्म और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1 करोड़ 78 लाख रुपए कमाई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1973 में, फिल्म का नाम था बंदे हाथ। ये मूवी साल 1973 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आई थी अनीता बच्चन के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 50 लाख रुपए के बजट मनी थी ये फिल्म और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1 करोड़ से कम का कलेक्शन किया था और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1973 में, फिल्म का नाम था जंजीर। ये मूवी साल 1973 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आई थी अनीता बच्चन साहब के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि जंजीर मूवी का बजट था तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए के बजट मनी थी ये फिल्म और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 17 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 20 करोड़ रुपए और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1973 में, फिल्म का नाम था गहरी चाल। ये मूवी साल 1973 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आई थी अनीता बच्चन के साथ, जितेंद्र, हेमा मालिनी अहम किरदार में थी। इस फिल्म का बजट 45 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 60 लाख रुपए कमाई थी। वहीं इंडिया के ग्रोस कलेक्शन हुए 61 लाख रुपए और ये मूवी एक्शन
एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक फ्लॉप करार दी गई थी। फिल्म आई थी साल 1973 में, फिल्म का नाम था अभिमान। ये मूवी साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आई थी अनीता बच्चन अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट 65 लाख रुपए के बजट मनी थी ये फिल्म, और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1,70,00,000 रुपए कमाए थे, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबाउ एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1973 में, फिल्म का नाम था सौदागर। ये मूवी साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आई थी अनीता बच्चन के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थी। इस फिल्म का बजट 85 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1,75,00,000 रुपए कमाए थे, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली फिल्म आई थी साल 1973 में, फिल्म का नाम था नमक हराम। ये मूवी साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें अनीता वचन के साथ रेखा एम केदार में थी। इस फिल्म का बजट 60 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। तो दोस्तों, ये रही साल 1969 से लेकर साल 1973 की अनीता वचन साहब की सभी फिल्में। तो इन सभी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपकी ज्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में।